Hello? हाँ? क्या? Sir, kindly switch off your mobile phone. Just one second, please. One second, please. Excuse me. आप लोग जाइए, मैं चला जाऊंगा. जेंटलमैन, वेट. मिस्टर ढिलान, क्यों नाम यहाँ टैटू कराओ क्या? अरे जल्दी निकालो यार गाड़ी. ओके सर, आइए सर. होटल जाएंगे ना सर? हाँ होटल जाएंगे यार, लेकिन वसंत विहार. ओके वहाँ ले लो. एक्सीलेटर पे थोड़ा लोड दे काके. हाँ फरहान बोल. तू जल्दी बाहर आ, मैं 5 मिनट में तेरे यहाँ पहुँच रहा हूँ. क्या हुआ यार? चतुर का फोन था, रिमेम्बर हिम? कौन? साइलेंसर. हाँ वही वही, बोल रहा है कि रैंचो आ रहा है. क्या बोल रहा है? हाँ बोला कि अगर रैंचो से मिलना है तो ठीक 8 बजे कैंपस आ जाए टंकी पे. ओ शक्स. अरे तू जल्दी बाहर आना यार. हाँ ठीक है ओके. सुनी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ. अरे जूते. अरे अपना दोस्त मिल गया क्या? यार मैं आके बात करता हूँ भाई. अरे पैंट तो पहन के जाओ. अब तो होटल जाएंगे ना सर? अरे होटल जाएंगे काके, लेकिन इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. ओके ओके सर. सॉक्स आना भूल गया यार. तू सॉक्स की बात कर रहा है? अबे नीचे देख पैंट भी भूल गया है. ओ तेरी. आईसीई के डायरेक्टर का नाम डॉक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे था, पर सब उन्हें वायरस, कंप्यूटर वायरस बुलाते थे. अरे वायरस आ रहा है, अंडे लेके फर्स्ट ईयर को नीचे बुलाया है. जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. वायरस वाज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव मैन वी हैड एवर सीन. कोई उनसे एक कदम भी आगे निकल जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता था. टाइम बचाने के लिए शर्ट पे बटन नहीं वेलक्रो लगाते थे और टाई में हुक. माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे. रोज 2 बजे एग्जैक्टली 7:30 मिनट का पावर नैप लेते थे और ओपेरा सुनते थे. गोविंद को इंस्ट्रक्शंस थे कि सारे अनप्रोडक्टिव काम जैसे शेविंग करना, नाखून काटना, इन्हीं 7:30 मिनट में किए जाएं. ये क्या है? सर नेस्ट. किसका? सर कोयल बर्ड का नेस्ट. रॉन्ग.
कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखती, और जब उसके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते, वो बच्चे दूसरे अंडों को धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं। कॉम्पिटिशन ओवर, द लाइफ बिगिंस विद मर्डर, दैट्स नेचर, कंपीट और डाई। You also are like the coil birds. और ये वो अंडे जिनको धक्का मार के तुम लोग आईसी में पहुंचे। Don't forget कि हर साल आईसी में 4 लाख एप्लीकेशन आते हैं और उनमें से सिर्फ 200 सेलेक्ट होते हैं। You और ये finished broken eggs। मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था, rejected every time. Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा. Let me tell you a very interesting story. ये astronaut's pen है. Space में fountain pen, ball pen कुछ नहीं चलता. तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिसे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं. One day, when I was a student, the director of our institute called me. He said, Veeru sir, Subuddhe. I said, yes sir, come here. I'm dar gaya. He showed me this pen. He said, this is a symbol of excellence. I give it to you. Aur jis din tumhe tumhare jaisa koi extraordinary student mile, to ye pen use pass on kar dena. 32 saal se Veeru Sahasrabuddhe is waiting for the next Veeru Sahasrabuddhe. क्या इस बैच में कोई है जो ये पेन ले जाएगा? गुड, हैंड्स डाउन. नोटिस बोर्ड पे लिखो, आई सेड पुट डाउन योर हैंड्स. सर मेरा एक सवाल है सर. सर स्पेस में फाउंटेन पेन, बॉल पेन चलता नहीं है, तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लाखों डॉलर बच जाते सर. राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था. एक छोटा सा कमरा जिसमें एक पैरालाइज्ड बाप, एक खांसती हुई माँ और एक भिन ब्याही बहन, सोफे पे खिले हुए स्प्रिंग और छत से 24 आवर्स रनिंग वाटर. माँ स्कूल से रिटायर्ड थी और ज्यादातर टायर्ड रहती थी. बाप किसी जमाने में पोस्ट मास्टर थे, पैरालिसिस के बाद बॉडी आधी बंद हो गई और सैलरी पूरी. और बहन 28 की हो गई है कमो, मारुति 800 मांगते हैं दहेज में. अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो शादी कैसे होगी इसकी? भिंडी लीजिए ना. हाँ जी थैंक यू. पता है तुझे भिंडी 12 रुपए किलो हो गई है और गोभी 10 की. लूट मची है सारे देश में और उस पर तेरी ऐसी ऐसी चिट्ठियां आएंगी कॉलेज से, तो बता हम खाएंगे क्या? माँ पनीर लेंगे. हाँ. पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा. पनीर दो. नहीं नहीं बस बस. माँ तू रहने देना अभी. क्या ठीक है भाई, चुप हो जाती. ये अच्छा है, बच्चों के लिए कमाओ, नौकरानी की तरह काम करो और उसके बाद मौन व्रत रख लो. अरे घर की समस्या है तो बेटे को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? उसके दोस्तों को? ए राजू. बड़ी दुविधा थी, दोस्त को संभालते कि दोस्त की माँ की आंसू पोंछते. फिर हमने सोचा हटाओ यार, मटर पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो. इनकी एक्जिमा की क्रीम भी अब 55 रुपए की आती है. और रोटी दो बेटा. नहीं 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 बस 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 हो गया, पेट भर गया. भिंडी 12 रुपए की, गोभी 10 के. कम से कम खाना ऑफर तो किया, तेरे भुक्कड़ बाप जैसा नहीं. हिटलर कुरेशी. हाँ हाँ तेरी माँ तो मदर टेरेसा है.
खुजली वाली रोटी खिला रही थी। माँ को लेकर मजाक नहीं करेगा। छोड़ तुम लोग क्या झगड़ा कर रहे हो? भूख लगी यार, कहीं बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। मंथ एंड है यार, पैसे क्या इसकी मदर टेरेसा देगी? ओए खाना खाने के लिए पैसे नहीं लगते, यूनिफॉर्म लगता है, यूनिफॉर्म। वो देख चल चल। सॉरी सर, इमरजेंसी। Settle down there. Sir, they're still writing. Hello, time up. Sir, 5 minutes, sir. हम आधा घंटा लेट आए थे। It is an emergency, sir. Please, please. Examiner ने हमें ऐसे देखा जैसे हमने उसकी दोनों kidneys मांग ली हो। हम फिर भी लिखते रहे और वो papers को roll number से arrange करने में busy हो गया। हो गया सर। आप लेट हो गए, मैं नहीं ले सकते। सर प्लीज सर। सर आप जानते हैं हम कौन हैं? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं, कौन है तुम लोग? नहीं पता है तो आप बात मत मत मत। अरे तुम्हारा रोल नंबर क्या है? किधर है उसका, किधर है वो पेपर? आज रिजल्ट्स लगने वाले थे। डरे सहमे सब भगवान के साथ डील स्ट्राइक करने में लगे थे। प्रभु बस इलेक्ट्रॉनिक संभालने में नारियल फोड़ूंगा। नाग देवता मेरा फिजिक्स बचा लेना, रोज 1 लीटर दूध भिजवाऊंगा। हे गौ माता बस बस पासिंग मार्क्स दिला देना। भगवान मालती और संगीता को अपनी बहन की नजर से देखूंगा, बस रिजल्ट संभाल लेना। भगवान भगवान मैं 100 रुपए पर मन चढ़ाऊंगा, भगवान पक्का, भगवान प्रॉमिस। 100 रुपए में तो आजकल ट्रैफिक हवलदार भी नहीं मानते। भगवान क्या खाक बिकने वाले थे? चेक चेक नीचे से चेक, नीचे से चेक कर। तेरा है यार लास्ट। और तेरा सेकंड लास्ट। रांचू नहीं है यार है? दिल बैठ गया, इसलिए नहीं कि हम लास्ट थे, पर इसलिए कि हमारा दोस्त फेल हो गया था। साला ये साइलेंसर इतना चिल्ला क्यों रहा है यार? सेकंड आया। साला फर्स्ट कौन आया? रैंचो। रैंचो साला हट है, हट है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। रणछोड दास चांचर, फर्स्ट रो राइट ऑफ द डायरेक्टर उदय सिन्हा, सेकंड रो थर्ड सीट आलोक मित्तल, सेकंड रो फिफ्थ सीट शाइनी राव। सर ये रैंक के हिसाब से बैठना जरूरी है सर? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सर मुझे तो पूरे ग्रेडिंग सिस्टम से ही प्रॉब्लम है सर। ऐसा लगता है कोई कास्ट सिस्टम है, ए ग्रेड स्टूडेंट्स बादशाह, सी ग्रेड स्टूडेंट्स गुलाम। इट्स नॉट नाइस सर। तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय? हाँ है ना सर। सर रिजल्ट जो है ना वो नोटिस बोर्ड पे लगाना नहीं चाहिए सर। किसी की कमियाँ किसी की खामियाँ हम क्यों खुलेआम सबके सामने पेश करें? अभी सर अगर आपके ब्लड टेस्ट में हीमोग्लोबिन कम निकले तो डॉक्टर आपको टॉनिक देगा या आपकी रिपोर्ट टीवी पे दिखाएगा। यू सी सर। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैं वन बाय वन सबके रूम में जाऊँ और कान में रिजल्ट बोलू। यू हैव कम फर्स्ट, आप सेकंड आए। ओह आई एम सो सॉरी, आप फेल हो गए। नहीं सर मेरा मतलब वो नहीं था, लेकिन क्या है ग्रेड क्रिएट्स डिवाइड सर, डिवाइड। अभी देखिए मैं फर्स्ट आया हूँ, मैं आपके साथ में बैठा हूँ, मेरे दोस्त बेचारे लास्ट आए तो उनको पीछे डाल दिया कोने में। कम से कम कोने में बैठे, तुम्हारे साथ रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम फोटो से बाहर ही हो जाएंगे, ना पास होंगे ना कोई कंपनी उन्हें जॉब देगी। जॉब तो मिल जाएगा सर, कोई तो कंपनी होगी जो मशीनों को नहीं इंसानों को नौकरी दे। ऐसा नहीं सर, जॉब मिल जाएगा सर, आई गारंटी। यू गारंटी इट? यू गारंटी इट?
बैठ। गोविंद जी सर, उन दोनों में से एक को भी कैंपस इंटरव्यू में जॉब मिले ना? हाँ। तो मेरी मुछ काट दे। ठीक है सर। सर हैप्पी? रेडी? स्माइल प्लीज। हैप्पी सर।